Hello, good morning students. Today in 12th class physics, we are continuing the revision of electrostatics. Electrostatics में अभी हम लोगों ने first lecture में we discussed about charges, the properties of charges. Today we will be discussing about the force acting between two charges, Coulomb's law. Coulomb's law. This is a inverse square law है and this gives the mathematical relation for force acting between any two charges. Suppose कोई दो charges हैं Q1 and Q2 और इन दोनों charges के बीच में जो distance है वो r है. Then Coulomb stated that force of attraction or repulsion acting between these two charges is found to be proportional to the magnitude of the charges. Force of attraction or repulsion will be proportional to the product of the magnitude of the charges or magnitude of the product of the charges and this is inversely proportional to square of the distance. मतलब जितना ज्यादा charges का magnitude होगा उतना ज्यादा इनके बीच में force आएगा. अब इनको अगर अभी हम लोग कंबाइन करें तो अभी हम लोग कुछ इस टाइप का रिलेशन मिलता है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. F प्रोपोर्शनल टू व्हाट? Q1 इनटू Q2 अपॉन R स्क्वायर. अब इसमें कांस्टेंट अगर अभी हम लोग इंट्रोड्यूस करें तो ये कांस्टेंट ऐसा कुछ आएगा, दिस विल बी अ कांस्टेंट एंड इनटू Q1 इनटू Q2 अपॉन R स्क्वायर. दिस इज व्हाट यू गेट. अब इसमें अगर आप देखें तो ये कांस्टेंट जो है इन SI सिस्टम is having a value 9 × 10⁻¹. और इसको अभी हम लोग ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अभी हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है वो ऐसा कुछ है 1/4πε₀ Q1 × Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर. तो 1/4πε₀ बच्चों SI सिस्टम में दिस इज हैविंग वैल्यू 9 × 10⁻¹. यूनिट्स अगर आपको इसकी बतानी है तो कैसे बताएंगे? इसकी यूनिट्स न्यूटन है इनटू मीटर स्क्वायर 1/4πε₀. कैसे लिखेंगे? एफ इनटू आर स्क्वायर अपॉन Q1 × Q2. मतलब ये आ जाएगा 9 × 10⁻¹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर. न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर. अब ये जो कूलम्स फोर्स है दिस एक्ट्स फ्रॉम वेरी लार्ज डिस्टेंसेस टू वेरी स्मॉल डिस्टेंस. मतलब इसका जो रेंज है वो बहुत ज्यादा है. रेंज बहुत ज्यादा है मतलब अभी हम लोग बोलेंगे एटॉमिक लेवल पर 10⁻¹⁰ मीटर से लेकर ज्यादा डिस्टेंसेस तक भी, मैक्रोस्कोपिक डिस्टेंस तक भी ये एग्जिस्ट करता है. सो कूलम्स फोर्स जो है दिस एक्ट्स फॉर वेरी स्मॉल डिस्टेंसेज ऑल्सो 10⁻¹⁰ मीटर्स तक अभी हम लोग बोलते हैं ये काम करता है और बड़े डिस्टेंसेज के लिए भी काम करता है. सो फ्रॉम मैक्रोस्कोपिक टू माइक्रोस्कोपिक डिस्टेंसेज दिस लॉ इज ट्रू. अब इसमें अभी हम लोग क्या बोलते हैं कि 1/4πε₀ में ये ε₀ दिस इज टर्म्ड एज परमिटिविटी. इसको अभी हम लोग परमिटिविटी बोलते हैं and this is found to have a value permittivity of free space and this is found to have a value 8.85 × 10⁻¹². ये epsilon zero की value है और इसमें units अगर अभी हम लोग देखें तो ये आ जाएगा epsilon zero की units अगर अभी हम लोग बतानी है तो इसका रेसिप्रोकल आ जाएगी जो इसकी यूनिट्स हैं, ये आ जाएगा कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर. अब हम लोग एप्सिलॉन जीरो की वैल्यूज नहीं याद रखते, हम लोग 1/4πε₀ की वैल्यूज याद रखते हैं क्योंकि दिस इज मच इजियर टू रिमेम्बर. 1/4πε₀ दिस इज 9 × 10⁻¹. अब इसमें वन मार्क के जो क्वेश्चन आते हैं उनमें एक चीज ये भी आती है द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर 1/4πε₀. 1/4πε₀ का डायमेंशनल फॉर्मूला
ये एप्सिलॉन जीरो का भी पूछ लेते कई बार, 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो का डायमेंशनल फॉर्मूला अगर निकालना तो ये कैसे मिलेगा, एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन क्यू वन इंटू क्यू टू, तो ये आ गया एम एल टी माइनस टू, ये फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला है। फिर इसके बाद ये आर का एल स्क्वायर आ जाएगा और क्यू क्यू अभी हम लोग बोलते हैं ये करंट की डेफिनेशन से क्योंकि यूनिट्स आती हैं, क्या करंट इज व्हाट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्यू डिवाइडेड बाय टी, तो क्यू कितना आ जाएगा, क्यू जो है आई इंटू टी, तो अभी हम लोग क्यू की जगह आई इंटू टी लिख दें और यहां पर भी है आई इंटू टी। सो हियर वी गेट व्हाट द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यह आ जाएगा एम, यह आ जाएगा एल क्यूब और ये टी टू दोबारा माइनस फोर एंड आई टू दोबारा माइनस टू। अब इसके बाद डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एप्सिलॉन नॉट डी पूछ लेते हैं कई बार, वन मार्क में बहुत सारे इस पर बेस्ड क्वेश्चंस मिलते हैं। एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला विल बी दी रेसिप्रोकल ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, आ जाएगा कितना एम माइनस वन एल टू दोबारा माइनस थ्री टी टू दोबारा फोर एंड आई टू दोबारा टू। सो इफ टू चार्जेस आर प्लेस्ड नियर टू ईच अदर इन एयर, इन एयर अब हम लोग स्पेसिफाई कर रहे हैं at some distance, then the force acting between these two will be given by q1 into q2 upon 4 pi epsilon 0 r square. ye formula hai kiska, force acting between two charges, isse 1 coulomb ki definition bhi banti hai. 1 coulomb ki definition kya hai, ab q1 वन अगर है Q2 अगर वन है तो और R वन है, सपोज यू आर हैविंग टू चार्जेस ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम साइन, मतलब दोनों या तो पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, सो वी से दैट Q1 वन ले लिया Q2 भी वन ले लिया और R की वैल्यू अगर वन ले ली तो फोर्स कितना आ जाएगा, फोर्स विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 9 into 10 to the power of 9 into 1 into 1 upon 1 square, तो फोर्स आ जाएगा 9 into 10 to the power of 9 न्यूटन। तो इससे बच्चों डेफिनेशन बनती है और डेफिनेशन क्या है कि 1 कूलम्ब चार्ज कैसा चार्ज है, 1 कूलम्ब चार्ज इज अ चार्ज which repels another identical charge placed at a unit distance. One coulomb charge एक ऐसा चार्ज है, one coulomb is a charge which when placed at a distance of 1 meter from another identical charge applies a force of 9 into 10 to the power of 9 newtons. हमने बोला one coulomb charge एक ऐसा चार्ज है जो अपने पास में रखे हुए किसी और आइडेंटिकल चार्ज को कितने फोर्स से 9 into 10 to the power of 9 न्यूटन से रिपेल कर रहा है या अट्रैक्ट कर रहा है। अब हम लोग सिमिलर टाइप का चार्ज ले लिया तो रिपेल कर रहा है ऐसा बोल सकते हैं। सो वी से दैट वन कूलम इज अ चार्ज विच रिपेल्स अनदर आइडेंटिकल चार्ज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 meter विथ अ फोर्स ऑफ 9 into 10 to the power of 9 newtons. ये तो बच्चों अभी हम लोगों ने लिया है क्या, when the charges are placed in air, charges अगर air में रखे हुए हैं तो force acting between these two will be given by this relation. When these two charges are placed in an insulating medium, when the charges are placed in an insulating medium, अगर किसी इंसुलेटिंग मीडियम में अगर अभी हम लोग रख देंगे तो क्या होगा, दोनों के बीच जो फोर्स है
वो चेंज हो जाएगा, है ना। सो फोर्स एक्टिंग बिटवीन एनी टू चार्जेस डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम इन विच द टू चार्जेस आर प्लेस, या दोनों चार्जेस के बीच में जो मीडियम है उसके ऊपर ये फोर्स डिपेंड करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये एक डिफरेंस रहता है किस किस के बीच में, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो अब हम लोगों ने इसमें ये बोला कि इफ दिस इज प्लेस्ड इन अ मीडियम देन द फोर्स विल बी गिवन बाय Q1 into Q2 upon 4 pi epsilon 0 K into R square. K depends on the type of medium which is placed between the two charges. दोनों charges के बीच में कौन सा medium आपने रखा हुआ है उसके ऊपर depend करेगा। K की value 1 रहती है किसके लिए, air के लिए और vacuum या free space, ऐसा कह सकते हैं K की value nearly 1 है। तो फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस व्हेन दीज आर प्लेस इन एयर, ये अभी हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ये कितना है Q1 इनटू Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ऐसा कुछ आ जाएगा। एंड के की वैल्यू सिर्फ समझने के लिए बच्चों, कुछ चीजें अभी हम आपको बताते चलेंगे साथ में, के की वैल्यू 81 है वाटर के लिए, के की वैल्यू इनफाइनाइट है मेटल्स या कंडक्टर्स के लिए, मेटल्स या कंडक्टर्स के लिए अगर के की वैल्यू इंफिनिटी है तो मतलब क्या होगा, अगर आप दोनों चार्ज पार्टिकल्स को अगर आप किसी कंडक्टिंग मीडियम में रख दें या मेटल्स में रख दें तो फोर्स कितना आ जाएगा, फोर्स जीरो आ जाएगा, देयर विल बी नो फोर्स एक्टिंग बिटवीन दीज टू। रीजन क्या है, ये पॉजिटिव, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल अगर ये कंडक्टिंग मीडियम है तो अभी हम लोग बोलेंगे सपोज दिस इज पॉजिटिवली चार्ज एंड दिस इज नेगेटिवली चार्ज, तो क्या होगा, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस जो है वो क्या होंगे, वो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। कैंसिल करेंगे मतलब, इसका मतलब ये है कि अगर यहां पर ये -7e का चार्ज है और ये +9e का है और बीच में कंडक्टिंग मीडियम है, मतलब यहां पर 7 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा है, यहां पर 9 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। अब ये कुछ डिस्टेंस पर रखे हुए थे, अब आपने बीच में कंडक्टिंग मीडियम रख दिया तो क्या होगा, चार्जेस आप एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएंगे। जैसे ही आप कंडक्टिंग मीडियम रखेंगे तो ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा और यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी खत्म हो जाएगी, चार्जेस विल मूव। तो कंडक्टिंग मीडियम में अभी हम लोग बोलेंगे देयर विल बी नो फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू चार्जेस, है ना। चलिए, और अगर ये सिमिलर टाइप के चार्जेस होंगे और कंडक्टिंग मीडियम है देन दीज विल मूव अप टू इंफिनिटी, ये चार्जेस रिपेल करेंगे और रिपेल करने पर चलेंगे कहां तक चलेंगे, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक चलेंगे, और इनफाइनाइट डिस्टेंस अगर आ जाएगा तो भी फोर्स की वैल्यू जीरो आएगी। बस ये याद रखना, मेटल्स या कंडक्टर्स के लिए के की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। सो फोर्स एक्टिंग इन एयर ये है Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, फोर्स इन द मीडियम इज Q1 इंटू Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू आर स्क्वायर, ऐसा कुछ आएगा। K इज व्हाट द डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, K बच्चों इसमें डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। अब इसमें फोर्स इन एयर अपॉन फोर्स इन मीडियम, अगर आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या होगा बच्चों, इसमें देखो अगर आपने इन दोनों को डिवाइड कर दिया तो ये पार्ट तो कैंसिल होगा और आर स्क्वायर और आर स्क्वायर भी कैंसिल होगा, के ऊपर ट्रांसफर होगा तो ये के आ जाएगा। तो कई बार वन मार्क का क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन एयर, फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस इन एयर 80 न्यूटन है और फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस व्हेन प्लेस इन अ मीडियम 14 न्यूटन है, तो के कितना होगा ये बताना है।
इसमें इन्होंने बोला है दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स 80 न्यूटन है, और जब आपने इसको किसी और मीडियम में रख दिया तो उन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो रिड्यूस हो गया एंड दिस बिकम्स 40 न्यूटन। तो k की वैल्यू कितनी होगी? तो k की वैल्यू निकालने के लिए अभी हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, एफ इन एयर अपॉन एफ इन मीडियम। तो कितना आ जाएगा? 80 डिवाइडेड बाय 40 यानी 2 न्यूटन, सॉरी 2, दिस विल नॉट बी हैविंग एनी यूनिट्स, k की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक, अब नेक्स्ट इसमें है बच्चों कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ये इंपॉर्टेंट है। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, सपोज यू आर हैविंग टू चार्जेस, दिस इज क्यू वन एंड दिस इज क्यू टू, एंड जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी वी आर टेकिंग दीज टू एज पॉजिटिव, एंड सपोज दिस इज द ओरिजिन, ये ओरिजिन है। अब ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, तो इसको अभी हम लोग क्या बोल सकते हैं? फोर्स एक्टिंग ऑन टू। इसको क्या बोल सकते हैं? फोर्स एक्टिंग ऑन वन। अब हम लोग पूरा पूरा लिखें, फोर्स एक्टिंग ऑन टू ड्यू टू व्हाट? तो फोर्स एक्टिंग ऑन टू ड्यू टू वन, और ये फोर्स एक्टिंग ऑन वन ड्यू टू टू। तो ये चीज अब आपको क्लियर रहनी चाहिए, एफ वन टू क्या है? एफ वन टू इज द फोर्स एक्टिंग ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड, और एफ टू वन क्या है बच्चों? एक्टिंग ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट, है ना? याद रखने का तरीका क्या है? अभी हमने सिंबल बता दिया, देखो ये फोर्स एक्टिंग ऑन सेकेंड लिखा है, ये फोर्स एक्टिंग ऑन फर्स्ट, क्योंकि ये फर्स्ट चार्ज है, फोर्स एक्टिंग ऑन फर्स्ट, ये सेकेंड चार्ज है इसलिए फोर्स एक्टिंग ऑन सेकेंड, है ना? फिर उसके बाद यहां पर टू लगा दो, यहां पर ये वन लगा दो, दिस इज हाउ यू कैन राइट डाउन। अब इसमें बच्चों ध्यान से सुनना, सपोज दिस इज ए बी, अब अच्छे समझना, वेक्टर फॉर्म एक बार समझ में पर आ जाए, लिखना बहुत इजी है, लिखना अभी हम याद करा देंगे आपको कैसे इसको याद रखना है। अब हम लोग क्या बोलेंगे इसमें? पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट क्या होता है? सो वी से दैट पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इज आर वन, ए पर क्या रखा हुआ बच्चों? क्यू वन रखा है। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी जहां पर क्यू टू रखा है क्या है? आर टू। ठीक, अब हम लोग क्या बोल सकते हैं? फोर्स एक्टिंग ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट, फोर्स एक्टिंग ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट। अब इसमें यह चीज आप याद रखना कि अगर हम R21 लिख रहे हैं तो ये एक वेक्टर रहेगा, और R21 ऐसा लिख रहे हैं मतलब ये मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर रहेगा, और इसको और सिंपल भाषा में लिखने के लिए अभी हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, आप विदाउट वेक्टर साइन अगर लिख रहे हो, अगर आपने इसके ऊपर वेक्टर साइन नहीं लगाया तो इसकी जरूरत नहीं है। तो ये नोटेशन आप याद रखना, ये अभी हम लोग यूज करेंगे। अब देखो लिखने का तरीका क्या रहेगा, फोर्स एक्टिंग ऑन टू ड्यू टू वन, फोर्स एक्टिंग ऑन टू ड्यू टू वन, अभी हम वेक्टर बाद में लगा देंगे, दिस विल बी इक्वल टू क्यू वन इंटू क्यू टू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो आर स्क्वायर।
सिंपल ऐसा लिखा, बिल्कुल जैसा वैसे लिखा था, जैसा अभी हम लोगों ने पिछले टॉपिक में लिखा था बिल्कुल वैसा ही लिख दिया है। मतलब इसको, इसमें कोई वेक्टर वाले टर्म्स अभी तो नहीं आए हैं। अब इसका डायरेक्शन बताना है, डायरेक्शन जब बता देंगे तो इसके ऊपर वेक्टर साइन लगा देंगे। भाई इसका डायरेक्शन कहां से कहां की तरफ है? ए से बी की तरफ है। कहां से कहां की तरफ? ए से बी की तरफ। तो अब हम लोग इसको कैसा लिख देंगे? ए बी यूनिट वेक्टर। ये ए से बी की तरफ है, तो अब हम लोगों ने इसको ए बी यूनिट वेक्टर लिख दिया। अब इसके बाद इसको अभी हम लोग क्या करने वाले हैं? अब चूंकि यहां पर डायरेक्शन दे दिया तो अभी हम लोगों ने इसके ऊपर भी वेक्टर साइन लगा दिया। तो अब हम लोग इसमें ये बोल सकते हैं ए बी इज अ यूनिट वेक्टर, वेक्टर फ्रॉम क्यू वन टू क्यू टू। कहां से कहां तक बच्चों? फ्रॉम क्यू वन टू क्यू टू, या सिंपल वन से टू भी लिख सकते हैं। अगर आपको Q1 से Q2 नहीं लिखना तो 1 टू 2 ऐसा लिख सकते हैं, और Q1 टू Q2 दोनों चीजें लिख सकते हैं। एक ऐसा वेक्टर है जिसका डायरेक्शन राइट की तरफ है। अब राइट की तरफ नहीं बोलेंगे, अभी हम लोग बोलेंगे पहले चार्ज से दूसरे चार्ज की तरफ। अब ए बी नाम लिखने की भी जरूरत नहीं है। अब देखो इसको कैसा लिखने वाले हैं, हम इसको रब कर दे रहे बच्चों, देखना ध्यान से। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ए बी वेक्टर अगर आपको बताना है तो ए बी वेक्टर क्या आ जाएगा? ये वेक्टर्स की एक बेसिक नॉलेज जो अभी हम लोगों ने 11th में पढ़ी है उसके बेसिस पर हम लोग ए बी निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। कैसे? हमने आपको याद कराया हुआ है कैसे कि आपको अगर ए बी वेक्टर लिखना है तो जो बाद में पॉइंट लिखा है उसका पोजिशन वेक्टर पहले लिख लो। पोजिशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, कैसा लिख लो। अब पोजीशन वेक्टर ऑफ बी क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी है आर टू, और पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या है? तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बच्चों आर वन है। ये ए बी वेक्टर आ गया, और ए बी वेक्टर को अब हम लोग एक नाम दे दे रहे हैं बच्चों। क्या नाम दे दे रहे हैं इसको? इस ए बी वेक्टर को हम लोग नाम दे दे रहे हैं आर टू वन। तो अब इसको याद रखना, कैसा याद रखना कि आर टू वन इज अ वेक्टर फ्रॉम वन टू टू, वन से टू की तरफ। आर टू वन अभी हम लोगों ने किसको नाम दिया बच्चों? ध्यान से देखना, आर टू वन अभी हम लोगों ने किसको नाम दिया है? हम लोगों ने ए से बी की तरफ जो वेक्टर है उसको अभी हम लोगों ने आर टू वन नाम दिया है। ठीक, अब हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये क्या आ जाएगा? दिस विल बी अ यूनिट वेक्टर फ्रॉम वन टू टू, और ये वन से टू की तरफ जो यूनिट वेक्टर है उसको अभी हम लोगों ने ए बी वेक्टर भी बोला था। तो अब हम लोग ने ये जो ए और बी के टर्म्स में लिखा था, ए और बी नहीं लिख रहे, अब हम लोग आर के टर्म्स में इस रिलेशन को लिख देंगे। अब देखो फाइनल रिलेशन क्या आएगा, एफ टू वन कितना आ जाएगा? ये Q1 into Q2 upon 4 pi epsilon 0 R square, और ये वाला वेक्टर AB को अभी हम लोगों ने क्या लिख दिया? R21। ये फाइनल रिलेशन आ गया बच्चों। ये क्या आ जाएगा? F21 will be equal to Q1 Q2 upon 4 pi epsilon 0 R square R21, ऐसा लिख सकते हैं। अब हमें अगर वेक्टर टर्म्स में ही और थोड़ा सा डिटेल में अगर लिखना है तो इस पे ध्यान देना, ये अगर 2 है और ये 1 है तो यहां पर भी ये 2 और 1 आएगा, ये 2 है ये 1 है तो ये भी 2 और 1 आएगा।
ऐसा इसको याद रख लेना। तो अब देखो फाइनल रिजल्ट जो आया है उसको अभी हम लोग लिख दे रहे हैं। यू कैन जस्ट टेक अ क्विक स्क्रीनशॉट और नोट इट डाउन फास्ट। बस अभी हमने यही बोला था, इसमें एक बार समझने में थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन याद रखना बहुत ईजी है। अगर आपको F21 लिखना है तो आप क्या करोगे, Q1 Q2 लिखोगे, 4 पाई एप्सिलॉन 0 लिखोगे और R स्क्वायर लिखोगे और यहां पर जो लिखा हुआ है उसका ये यूनिट वेक्टर। 2 और 1 लिखा तो R21 लिख दोगे। और अब आप देखकर बता सकते हो, क्योंकि अब आपने अगर ऐसा लिखा तो आपको डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। तो भाई इसका डायरेक्शन कैसे बोलेंगे वो आपको आना चाहिए। ये डायरेक्शन कहां की तरफ है, टुवर्ड्स राइट साइड। तो इसको अभी हम लोग बोलेंगे दिस इज अ यूनिट वेक्टर फ्रॉम 1 to 2, 1 से 2 की तरफ ये एक यूनिट वेक्टर है। ये लिखने का तरीका है बच्चों इसमें। अब सुनना अच्छे से, ये सब कुछ अब हम रब कर दे रहे हैं। F12 अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, अब इसको देखकर अभी हम लोग जनरलाइज कर सकते हैं। क्या आ जाएगा, F12 दिस विल बी Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R स्क्वायर, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बच्चों अभी हम लोग R लिख सकते हैं, इनटू R12। R12 अब कैसा रहेगा, अब ये 21 कहां से कहां तक था, 21 था 1 से 2 तक, 1 से 2, लेकिन ये कहां से कहां तक है, ये देखो इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो लेफ्ट की तरफ, माने सेकंड से फर्स्ट की तरफ। R12 इज अ यूनिट वेक्टर फ्रॉम 2 to 1, सेकंड से फर्स्ट की तरफ। अब ये अभी हम लोगों ने डिराइव किया था बच्चों किसके लिए, पॉजिटिव चार्जेस के लिए। अगर ये चार्जेस नेगेटिव हैं, इनमें से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो क्या होगा, प्लस Q1 है और ये माइनस Q2 है, तो क्या होगा, अब देखो फोर्स एक्टिंग ऑन वन ऐसा हो जाएगा, ड्यू टू टू फोर्स एक्टिंग ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट। क्या हो गया, F12 का डायरेक्शन, F12 पहले लेफ्ट की तरफ था अब राइट की तरफ आ गया। अब क्या ये रिलेशन चेंज होगा, चेक करके देखते हैं। देखो F21, ध्यान से देखना बच्चों, F21 इसका आंसर कैसा आने वाला है, Q1 into Q2, Q1 पॉजिटिव है, Q1 बच्चों पॉजिटिव है और Q2 नेगेटिव है, तो इसका आंसर तो नेगेटिव आने वाला है, अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, इसको अभी हम लोग अच्छे से लिख दें, प्लस Q1 इंटू माइनस Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R स्क्वायर और क्या है R21। मतलब क्या होगा, F21 और R21 के बीच में एक माइनस साइन आ गया है, यहां पर ये माइनस साइन और ये Q1 Q2 तो रहेगा, ये सब कुछ रहेगा, तो ये माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है कि भाई F21 अब R21 के ऑपोजिट आ जाएगा, F21 जो है किसके, R21 के ऑपोजिट आएगा। F21 कैसा है, F21 लेफ्ट की तरफ है, F21 देखो बच्चों लेफ्ट की तरफ है और R21 कहां की तरफ है, राइट की तरफ है, ये अभी हम लोग बता चुके हैं, इसको अभी हम लोग लिखते रहे, 1 से 2 यानी राइट, ये भी राइट और ये क्या है 2 से 1 यानी ये लेफ्ट। तो अब जो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं उसको समझिए, हमने ये बोला है कि F21 इज विद अ नेगेटिव साइन, विद अ R21 यूनिट वेक्टर। अब F21 नेगेटिव साइन के साथ है और R21 कहां की तरफ था बच्चों, ये वाला डायरेक्शन कैसा था, ये राइट की तरफ था और माइनस साइन लगा दिया तो
तो मतलब क्या आ जाएगा, ये कुल मिलाकर ये डायरेक्शन कैसा आ जाएगा बच्चों, लेफ्ट की तरफ आ जाएगा। तो F21 देखो, F21 काम की तरफ लग रहा है, लेफ्ट की तरफ लग रहा है। तो कहने का मतलब ये है, मान लीजिए आपको ये सारी चीजें अगर याद नहीं रखनी है ना, तो आप इस रिलेशन को याद रखिए। तो ये रिलेशन कहां पर अप्लाई होगा, दोनों चार्जेस पॉजिटिव होंगे तो भी अप्लाई होगा, दोनों चार्जेस नेगेटिव होंगे तो भी अप्लाई होगा, और अगर एक चार्ज पॉजिटिव है और एक चार्ज नेगेटिव है तो आपको इतना सब समझने की और समझाने की जरूरत नहीं है, आप इसको कंप्लीटली स्किप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी हमने क्या बोला कि ये वाला जो रिलेशन है ये सभी टाइप के चार्जेस के लिए अप्लाई होने वाला है। सो इफ बोथ चार्जेस आर पॉजिटिव देन ऑल्सो दिस रिलेशन होल्ड्स गुड, इफ वन इज पॉजिटिव एंड वन इज नेगेटिव देन ऑल्सो दिस रिलेशन इज ट्रू, इफ बोथ आर नेगेटिव देन ऑल्सो दिस रिलेशन इज ट्रू। तो ये वेक्टर फॉर्म है। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक है एनसीईआरटी में, फोर्स एक्टिंग बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। फोर्स एक्टिंग बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। अब इसमें क्या कह सकते हैं बच्चों, इसमें सुपर पोजिशन प्रिंसिपल है, और ये सुपर पोजिशन प्रिंसिपल बच्चों हर उस जगह पर आता है जहां पर फिजिक्स में वेक्टर्स यूज होते हैं, है ना। अभी हम लोगों ने ये बोला है कि अगर आपके पास कोई एक चार्ज Q1 है और इसके ऊपर बहुत सारे चार्जेस फोर्स लगा रहे हैं, सपोज ये Q2 भी फोर्स लगा रहा है, Q3 भी फोर्स लगा रहा है, Q4 भी फोर्स लगा रहा है, Q5, Q6, तो इसके ऊपर फोर्स कैसे निकालेंगे भाई? सबसे पहले आप इसकी वजह से इसके ऊपर फोर्स निकालो, इसकी वजह से इसके ऊपर फोर्स निकालो, इसकी वजह से इसके ऊपर फोर्स निकालो। फाइंड आउट फोर्सेस ऑन एनी वन चार्ज ड्यू टू ऑल दी अदर चार्जेस। फिर रिजल्ट कैसे मिलेगा, वेक्टर सम ले लो, सारे फोर्सेस का वेक्टर सम ले लोगे, यू विल गेट द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज Q1। और ये ही कहलाता है क्या, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम इसमें थोड़ा सा और आगे भी एक्सप्लेन कर देंगे, पहले तो स्टेटमेंट भर बता दें। अब इसमें क्या कह सकते हैं, फोर्स एक्टिंग ऑन एनी चार्ज ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस इज फाउंड बाय टेकिंग the vector sum of the forces by taking what the vector sum of the forces on that charge due to all the other charges due to what due to all the other charges अब इसमें सपोज फॉर एग्जाम्पल वी आर ट्राइंग टू कैलकुलेट गिवन अ सिस्टम ऑफ चार्जेस क्यू वन क्यू टू एंड क्यू एन, ऐसे बहुत सारे चार्जेस दिए हुए हैं। फोर्स एक्टिंग ऑन क्यू वन
ऑन क्यू वन ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस. इसको अभी हम एफ वन लिख दे रहे हैं, फोर सेकेंड ऑन फर्स्ट निकालता है इसलिए इसको एफ वन नाम दे दिया. तो हम लोग क्या करेंगे, ये सुपर पोजिशन प्रिंसिपल क्या बोलता है, अगर आपको एफ वन निकालना है तो आप फोर्स एक्टिंग ऑन वन ड्यू टू टू निकालो, फोर्स एक्टिंग ऑन वन ड्यू टू थ्री निकालो, फोर्स एक्टिंग ऑन वन ड्यू टू फोर निकालो और इन सभी का वेक्टर सम कर दो. और वेक्टर सम है इसलिए हम लोग वेक्टर साइन लगा देंगे. अब क्या आएगा देखो ध्यान से, अब बहुत सारे चार्जेस दिए हुए बच्चों ध्यान से देखना. अब हम लोगों ने इसमें यह बोला कि सपोज देयर आर मेनी चार्जेस क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री क्यू फोर, सपोज जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी वी आर अज्यूमिंग ऑल दीज टू बी पॉजिटिव, तो क्या होगा ये इसको रिपेल करेगा, दिस विल बी एफ वन टू. अब इसके बाद ये भी इसको रिपेल करेगा और ये कितना आ जाएगा एफ वन थ्री, ये भी इसको रिपेल करेगा एफ वन फोर. इन सभी का वेक्टर सम ले लो. वेक्टर सम निकालने का तरीका क्या है, बहुत सारे तरीके हैं वेक्टर्स को ऐड करने के, लेकिन सुपर पोजिशन प्रिंसिपल में आपको एक सिंपल सा डायग्राम बना के और आपको सिर्फ वैल्यूज भर लिखनी है. एफ वन टू कितना आ जाएगा, लिखने का तरीका आज अभी हमने सिखाई दिया, फोर पाई एप्सिलॉन जीरो आर स्क्वायर. ठीक है, एफ वन टू है तो यहां पर आर वन टू आएगा, ये याद रखना. अब यहां पर डिस्टेंसेस के बीच में कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए डिस्टेंस बिटवीन वन एंड टू. अब इसका कितना आएगा, Q1 Q3 फोर्स एक्टिंग ऑन वन ड्यू टू थ्री, तो ये Q1 Q3 अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो और डिस्टेंस का स्क्वायर और डायरेक्शन कैसे मिलेगा R13. ठीक है, और कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए डिस्टेंस बिटवीन वन एंड थ्री को अभी हम लोग R13 से मार्क करेंगे और ऐसे करके आप सारे ऐड कर लीजिए और डैश 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 लगाकर छोड़ दीजिए. तो अब इसमें वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो आप चाहो तो कॉमन ले सकते हो, अंदर क्या बचेगा क्यू वन क्यू टू अपॉन आर वन टू का स्क्वायर, आर वन टू यूनिट वेक्टर प्लस क्यू वन क्यू थ्री अपॉन आर वन थ्री स्क्वायर आर वन थ्री यूनिट वेक्टर एंड सो ऑन. सो दिस इज व्हाट प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिंगल चार्ज ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस है, बहुत सिंपल. और इसमें अभी हम लोग क्या बोलते हैं, किसी एक चार्ज के ऊपर अगर आपको फोर्स निकालना है तो सारे चार्जेस की वजह से आप एक एक करके फोर्स निकालो, Q1 पर निकालो Q2 के कारण, F12 बोला, Q1 पर निकालो Q3 के कारण इसको F13 बोला, Q1 पर निकालो Q4 के कारण इसको F14 बोला, और ऐसे सारे जितने भी आएंगे फोर्सेस उन सभी का वेक्टर सम. तो वेक्टर नोटेशन के साथ लिख दिया और वेक्टर नोटेशन में कूलम्स लॉ कैसे लिखना है इसका भी तरीका आपको बता दिया. ये नोटेशन जरूर याद रखना बच्चों, वन टू अगर है तो इधर आर वन टू आएगा, ये वन थ्री है तो ये आर वन थ्री आएगा यूनिट वेक्टर. डायरेक्शन बताने के लिए अभी हम लोग यूनिट वेक्टर्स का यूज करते हैं. सो वी विल कंटिन्यू विद द सेम चैप्टर ऑन द नेक्स्ट, दैट्स ऑल फॉर टुडे.